नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पहाड़। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आलोक। देहरादून में नगर निगम द्वारा हरेला पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत करते हुए पौधारोपण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में पहुंचते इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही इलेक्ट्रिक बस में सफर भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, इस बार हरेला पर्व पूरे एक माह तक मनाया जाएगा ये पर्व और राज्य में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो हरेला पर्व धूमधाम से और एक माह तक मनाया जाएगा, मुख्यमंत्री ने कहा साफ तौर पर। और नगर निगम के इस पर्व पर किस तरीके से कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ, जिसमें सीएम धामी ने पौधारोपण भी किया, ई बसों को हरी झंडी दिखा करके रवाना भी किया पुष्कर सिंह धामी। सभी नौजवानों में, युवाओं में, छात्रों में एक अभूतपूर्व जोश उनके अंदर दिखाई दे रहा था, एक उत्साह दिखाई दे रहा था। और कोई भी काम हम करने जाते हैं और अगर हमारे अंदर उत्साह होता है तो ऊर्जा स्वतः ही आ जाती है। और ये ऊर्जा आपकी निश्चित रूप से, जो हम कह रहे हैं क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, इस क्लीन सिटी और ग्रीन सिटी को बनाने में कामयाब होगी। और जहाँ तक वृक्षारोपण का प्रश्न है, वृक्षारोपण और हरेला पर्व दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। और हमारे पूर्वजों ने ये हमारी संस्कृति के साथ इसको जोड़ा है कि प्रत्येक वर्ष हम हरेला का पर्व मनाते हैं और हरेला पर्व मनाते समय हम वृक्षारोपण भी करते हैं। वहीं देहरादून को 5 इलेक्ट्रिक बसों का मिला तोहफा, मुख्यमंत्री धामी ने हरी झंडी दिखा करके किया रवाना। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत दून में 30 एसी बसें चलनी हैं। प्रदूषण रहित बसों को कई रूट्स पर चलाया जा रहा है। तो देहरादून की बात करें, मुख्यमंत्री धामी ने हरी झंडी दिखा करके फिलहाल रवाना किया और अंतर्गत प्रदूषण रहित बसों को कई रूट्स पर चलाया जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे, देहरादून से, जहां पर मृतक शिक्षक के तबादला मामले